अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके मैसेज वगैरह सारे देख लिए। सॉरी मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकी, मैं खुद के एग्ज़ाम में बहुत बिजी चल रही थी। आपने मुझसे पूछा हुआ था टाइम टेबल का, और आपने मुझसे पूछा हुआ था कि आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से पढ़ाई करें, तो पहली बात तो। और दूसरा आपने बैच का पूछा था मुझसे, मैं आपको बैच की प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकती कि मैं उनको किस तरह लेके चल रही हूँ, लेकिन हाँ हम लोग के अभी 6 चैप्टर इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएंगे। 4 पहले हुए थे, अभी इंशाल्लाह 6 हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इस मंथ जो है वो Bio 2 इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगी। और मतलब अभी तो मैं स्लो लेके चल रही हूँ, रीज़न इज़ दैट कि बहुत सारे बच्चे FSC कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह जैसे मार्च ख़त्म हो जाएगा, और मार्च ख़त्म होगा तो उसके बाद से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, हमें इतना सारा लाइक MCQ सॉल्व करने हैं, बहुत सारी डाउग्रेड की पूरी सीरीज़ सॉल्व करनी है, ऑर्गेनिक सीरीज़ लेके चलनी है मार्च से इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कवर अप करना है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया कि किस तरह से करेंगे, लेकिन अब मैं कंप्लीट टाइम टेबल आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो बच्चे मुझे पे कर रहे हैं। अब वो मुझे कैसे पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में या जैसे भी, लेकिन वो मुझे पे कर रहे हैं, तो एक तरह से वो जो सब कुछ है वो प्राइवेट है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको इतना बताती हूँ कि आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि आप रिपीटर हैं या फिर आप जो हैं वो फ्रेशर हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि अपने टाइम को मैनेज करें। सुबह उठती हैं उसको सब कुछ लिखें कि आप क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। अगर एक दिन में एक चैप्टर कर, लेट सपोज आप रिपीटर हैं, तो अगर, क्योंकि ये स्टार्ट है, एक दिन में एक चैप्टर कर रही हैं विद नोट्स, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन जो भी चैप्टर आप कर रही हैं ना, उसके साथ MCQ सॉल्व कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और ख़ुद को खुद टारगेट दें। और हाँ बस यही है कि खुद को टारगेट दें, ये आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपका किसी और के साथ नहीं है, तो खुद को टारगेट दें कि मैंने अचीव कर लिया। उसके बाद उसकी जगह पे जब आप वो कर लेती हैं अचीव, तो आप उस अपने आप को रिवॉर्ड दें, तो ये चीज़ होती है टारगेट प्लस रिवॉर्ड। इस तरह से हम मूव करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी एक और चीज़ के टीचर कैसा पढ़ाते हैं, कौन कैसा पढ़ाते हैं, देखिए मेन चीज़ होती है आपका मेंटर, और सेकंड थिंग होती है आपका अपनी सेल्फ स्टडी। अगर आपको कोई बहुत अच्छे मेंटर मिल जाता है, तो आपको मतलब कि आप बहुत मेंटली खुद को एक्टिव समझते हैं और आप उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट, एवरीथिंग इज सेल्फ स्टडी, लेकिन थोड़ी बहुत गाइड, मतलब गाइड जैसे, मतलब गाइडेंस इज एवरीथिंग, सीनियर की गाइड बहुत ज़रूरी है, वरना तो लाइक हर कोई सीनियर की गाइड नहीं लेता, लेकिन जो लेता है उनको पता होता है कि पेपर में किस तरह की मुश्किलें आने वाली हैं, और वो पहले से उसको सॉर्ट आउट करके रखते हैं, तो इस सेंस में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, इतना कोई वो नहीं है कि आपने लाइक कोचिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे उन्होंने कोचिंग रखा हुआ है और मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, और दे आर गेटिंग MCQs, पास पेपर्स एंड माई लेक्चर्स। लेक्चर्स इतने लंबे नहीं हैं, लाइक 1 आवर से 1.5 घंटे से 1.5 घंटे तक का एक लेक्चर है, और लाइक एक चैप्टर का, एंड देन आई सेंड MCQs। जैसे अगर एक दिन मैंने लेक्चर सेंड किया है, तो 2 दिन लेक्चर सेंड किए, देन वी हैव द जूम मीटिंग्स और वी हैव द लाइव स्ट्रीमिंग, ये डिपेंड करते हैं। तो ये पोल वगैरह करती हूँ मैं, और उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ, तो वो जो रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम मूव करते हैं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं तो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते हैं, उसके अंदर उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं अनऑफिशियल में वो डाल देते हैं, और मैं उनके आंसर्स वगैरह उनको दे देती हूँ। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको लगते हैं वो मुझे कहते हैं, एंड आई, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू आंसर देम, तो मैं उनको सबको आंसर्स कर लेती हूँ। तो मेरा बैच इस तरह से चल रहा है, बैच ए जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी जो है 6 चैप्टर इंशाल्लाह हो जाएंगे इस वीक में, और बैच बी भी इंशाल्लाह उसकी लाइक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है टिल 15 मार्च जो है, उसका डेट एक्सटेंड हो 15 मार्च तक है, और फर्स्ट क्लास 15 मार्च को ही होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई बैच, कि मैं उसको किस तरह लेके चल रही हूँ, एंड वट एवर यू सेट के किस तरह डिस्ट्रक्शन, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि मैं उनको किस तरह लेके चल रही हूँ, आप उसमें से पॉइंट निकाल के कर लीजिएगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। देखिए हर चीज़ ना, ये सेल्फ स्टडी है, पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी करती है आप पे बेस्ड। अब आप उसको, देखिए टीचर का बहुत बड़ा रोल है, ये बात सच है, लेकिन बच्चे का खुद का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर आपको कितना भी लेक्चर दे, मैं लेक्चर सेंड करती हूँ बच्चों को, अब उसमें से बच्चे बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, बैच में बहुत मैंने खुद जज किया है, बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो एक एक पॉइंट को इतना बारीकी से लेते हैं, लिखते हैं, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर। मैं उनके नोट्स देखे, लाइक मैं उनको जो लेक्चर सेंड करती हूँ वो मेरे लेक्चर्स में से पॉइंट्स निकाल के, मेरे MCQs में से पॉइंट्स निकाल के, पास पेपर से
पॉइंट्स निकाल के उस पूरे लेक्चर में लिख रहे होते हैं, और इतना नीटली इतना साफ कि मतलब मेरे लेक्चर से भी ज़्यादा बेटर उनका लेक्चर लग रहा होता है। सारी सी बात है, वो हर जगह से गैदर कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे लेक्चर को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेते हैं और बस वो पढ़ाई रहते हैं, तो वो कोई काम की चीज़ नहीं है। मतलब आपके पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो आप पे बेस करता है, आपको टीचर कैसा पढ़ा रहा है ऑफकोर्स ये मैटर करता है, लेकिन आप कितना उनको आउटपुट दे रहे हो ये भी तो मैटर करता है ना। कुछ बच्चे बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, रिजल्ट इतने अच्छे देते हैं, और कुछ बच्चे नहीं देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बच्चे पे भी डिपेंड करता है, टीचर पे भी करता है, लेकिन सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट। अगर आप टीचर पे डिपेंड रखते हो कि आपको लगता है कि टीचर आपको अच्छा पढ़ाएगा तो आपको सब समझ आएगा और आपको कोई एफर्ट ना करनी पड़े, तो ऐसा नहीं होता। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टीचर भी मेन रोल है आपका, जैसे पता है कि वो आपको अच्छा पढ़ाएगा, आपको अच्छे की पॉइंट्स देगा, अच्छे स्टफ देगा, अच्छी बातें बताएगा, अच्छे मोटिवेट करेगा, तो आप उसकी तरफ मोटिवेट होंगे, आप पढ़ेंगे। बट वन थिंग मोर के डिस्ट्रैक्शंस हर किसी की लाइफ में होती हैं, उसको हटाना आपका काम है। अब आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे ये भी देखना आपका खुद का काम है। बाकी मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थफुल, क्योंकि आई रियली थिंक कि मेरे टाइम में इस तरह का मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था जिस तरह से मैं दूसरों को गाइड कर रही हूँ। मुझे ये फील हुआ है, आपको भी फील हुआ होगा, जब भी आप मेरे पास आई हैं आपने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और इवन मैं रिस्पॉन्स मतलब मैं मैसेज सीन करके समटाइम भूल जाती हूँ। रीज़न इज़ दैट कि इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, कुछ बच्चे बैच की डिटेल ले रहे होते हैं तो उनको डिटेल्स देना, ये सब कुछ मतलब एक अपनी स्टडी के साथ ये सब मैनेज करना इज़ अ बिग टास्क। लेकिन आई एम डूइंग, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो आई थिंक यू गाइज कैन डू ऑल्सो, तो ये एक मुश्किल चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। और इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई बैच तो मैं आपको इंसिस्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी वर्थफुल, और इतना कोई पेमेंट इतना बड़ा नहीं है, लाइक इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 3500 है, वो भी बहुत सारे बच्चे इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे होते हैं, तो मुझे उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे बैच में ऐसे हैं, बैच ए में, जो कि इंस्टॉलमेंट में पे रहे हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो अपनी पॉकेट मनी से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने खुद के लिए, ठीक है, क्योंकि वो सिंसियर है ना, दैट्स द ओनली रीज़न। अब ये चीज़ है, और बाकी सब बच्चे अब बैच बी जो बना रही हूँ उसमें भी बहुत सारे बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो कि आप नॉर्मल कर रहे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है पे तो पूरी 3500 ही करनी है, आप अभी करो एक महीने बाद करो, तो इट डिपेंड्स। अब ये है कि आपने जो मुझे पूछा है तो आई गेस मैंने आपका सारा जवाब दे दिया है। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, जो खुद के लेक्चर्स में बनाती हूँ जिस पर मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ लेक्चर्स मेरे खुद के, लाइक उनको PDF वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, तो वो मैंने खुद अपने बनाए हुए होते हैं हैंडमेड, समटाइम हैंडमेड समटाइम टाइपिंग करके, तो ये डिपेंड करता है, बट वो खुद मैं एक्सट्रैक्ट कर रही होती हूँ सिंबल से, STB बुक से और फेडरल की इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ, तो ये करके मैं उस तरह से वर्कआउट कर रही हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि आपकी टीचर कैसे पढ़ाती है कैसे नहीं पढ़ाती, और इससे मेरा कंसर्न है भी नहीं ना, आपको आपको पता है बेटर पता है कि आपको टीचर कैसा पढ़ा रही है, आपको किस तरह से आगे मूव करना है, अगर वो अच्छा पढ़ा रही है। सेल्फ स्टडी देखिए, सेल्फ स्टडी करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं MD कैट आप फर्स्ट टाइम देंगी तो आई थिंक सो कि यू हैव टू ज्वाइन समवेयर एल्स, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपके कॉम्पिटिटर कितना पढ़े लिखे कितना ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, यू डोंट इवन हैव अ आइडिया, तो आपको एक माहौल नहीं मिल रहा ना जहाँ पर आपको पता चलेगा आपका कॉम्पिटिटर कैसा है, तो इट्स बिट हार्ड, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई ज्वाइन कर लें, बेशक कोचिंग ज्वाइन कर लें या कुछ भी, बट बीइंग अ फ्रेशर आई गेस कि आपको कुछ करना चाहिए, लाइक कुछ ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया, तो आपको तो आइडिया भी नहीं होगा, आपको तो कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपने तो कोई ज्वाइन ही नहीं किया हुआ। FSC तक कोई लेवल में कुछ भी नहीं सिखाते हमें, कोई नहीं सिखाते कि किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरह से ये करते हैं, अगर कोई लॉन्ग आ रहा है तो उसकी जगह हम आइसोमेरिज्म का तरीका कुछ और भी है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कि फार्मूला के थ्रू होते हैं, बहुत स्मॉल फार्मूलाज, हम लोग तो इतने लंबे लंबे डेरिवेशन पढ़े होते हैं उसको निकाल के, ये सब मतलब नहीं होता है। FSC बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ है और MD कैट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो हम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, तो आई गेस बिकॉज यू सेड यू आर फ्रेशर तो आई थिंक यू हैव टू ज्वाइन समवेयर ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो सके, आपको वो माहौल मिल सके, तो बेटर टू ज्वाइन समवेयर एल्स ताकि आपको एक माहौल मिल सके, और आपको पता हो कि आपको MD कैट और FSC दोनों साथ लेकर ही चलना है, अगर एक लेकर चलेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी।